नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आज नाग पंचमी है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक 15 साल के लड़के के पीछे एक सांप पड़ गया था। 5 महीने में सांप ने करीब 30-35 बार युवक को डसा। उसका कहना था सांप पूर्व जन्म का बदला लेने आया था, माफी मांगते ही पीछा छोड़ दिया। दरअसल मामला आगरा से 70 किलोमीटर दूर पिनाहट तहसील का है। 15 साल का अनूप 10वीं का स्टूडेंट है। सितम्बर 2016 को सांप ने उसे पहली बार डसा, तब इलाज हुआ और ठीक हो गया। इसके बाद सांप के काटने का सिलसिला शुरू हो गया। हर महीने करीब 5 बार सांप डसता था, अनूप के पिता राजकुमार ने बताया। खेत में जब वो मेरी मदद कर रहा था, उस वक्त सांप ने काटा, फिर सोते समय डसा, यहाँ तक कि तौलिया से हाथ साफ करते समय भी सांप ने काट लिया। ये सिलसिला महीनों तक लगातार चलता रहा। इस दौरान सांप ने करीब 30-35 बार उसे काटा। परिवार के लोग अलग अलग शिफ्ट में अनूप की देखरेख करने में लगे रहते। उसकी माँ और पिता ने आशंका जताई, सांप पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए बेटे के पीछे पड़ा है। राजकुमार ने बताया, मार्च महीने में बेटे को एक बाबा के पास ले गए। उन्होंने बताया सांप और अनूप की पिछले जन्म की दुश्मनी है। इस जन्म में दुश्मन सांप बनकर आया है, जबकि अनूप ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। बाबा के कहने पर खेत में सांप के सामने थाली बजाकर अनूप ने पिछले जन्म की गलती के लिए माफी मांगी। उसने सांप के नाम पर कुछ दान भी दिया। इसके बाद सांप ने पीछा छोड़ा। पिछले 4 महीने में सांप 2 बार दिख चुका है, लेकिन ऐसा नहीं।